हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अनुज हेल्थ टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बताने वाली हूँ कि आपके चेहरे पे कालापन है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, या आपके चेहरे पे निखार नहीं आ रहा है, पिंपल्स निकल गया है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, रेमेडी को शुरू करते हैं। दोस्तों रेमेडी को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों हम सबसे पहले लेंगे अंडा। ऐसे प्रॉपर्टीज है कि जो हमारे कालापन को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों हम एक अंडा इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको दूसरा चीज इसमें ऐड करने वाले वो है निभी। दोस्तों निभी के हम थोड़ी सी की मात्रा में, इतने के मात्रा में निभी को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको तीसरा चीज इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। दोस्तों इसको भी हम थोड़ी सी की मात्रा में रहेंगे टर्मरिक पाउडर, जो कि हमारे पिंपल्स को दूर करने में मदद करता है टर्मरिक पाउडर, और निखार भी लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों को चौथा चीज़ इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है एलोवेरा। मार्केट वगैरह से खरीद कर रखे हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये नेचुरल लेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा आपके चेहरे के लिए। दोस्तों हम थोड़ी सी की मात्रा में एलोवेरा जेल लेंगे, इतने की मात्रा में। तो दोस्तों हम अच्छे से सारी सामग्रियों के आपस में मिक्स कर लेंगे। नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों आइए जान ले कब और कैसे इसे लगाना है अपने चेहरे पे, इसको दूर कर सके और कालापन को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसे नहाने से आधा घंटा पहले अपने चेहरे पे लगा लेना है और अच्छे पानी से इसको धो लेना है, और उसके बाद से आपको साबुन वहाँ पे यूज नहीं करना है अपने चेहरे पे। बस आप जो क्रीम लगाते हैं वही क्रीम आपको यूज कर लेना है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की नई वीडियो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक